मूल नक्षत्र क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे वो साइंस। यहाँ पे होती है। सही हाँ बात है, आपने साइंटिफिकली इसको निकाला है, हम लोग तो ऐसे। नहीं, उसके पीछे रीजन है ना, विवेक जी ज्यादा डिटेल में बताएंगे अभी, विवेक जी नोज मच बेटर देन मी इस मामले में, जानता हूँ विवेक जी। हाँ जी, कुछ नहीं, इसमें वैसे ही कह सकते हैं कि यहाँ राशियां भी खत्म हो जाती हैं और नक्षत्र भी खत्म हो जाता है, जीरो से स्टार्ट होता है फिर अगला, जो भी है राशि भी जीरो से स्टार्ट होगी, नक्षत्र भी जीरो से स्टार्ट होगा, तो वहां सडन चेंज है, एकदम एकदम चेंज है। चेंज है। तो जो सडन चेंज है, तो जितना वो उस मतलब वहां पे नजदीक में रहेगा, वो बाउंड्री कंडीशन है एकदम। अब जैसे आपको कोई भी चीज है, अब जैसे आपको क्लाइमेट में ही लगा लो कि आप सडनली एकदम जैसे पृथ्वी से जल में जाएंगे, एकदम क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, या आप जैसे एकदम हिमालय अगर बड़े स्केल पे देखे, एकदम हिमालय के पास जाओगे, एकदम क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो ज्यादा की बात, ऐसी। आपने ही रूम से बाहर निकलो और अंदर आओ उसी में हाँ, क्लाइमेट, अगर कई बार बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, ज्यादा दूर चेंज हो जाने की जाता है। जरूरत नहीं है ना। तो वैसे ही यहाँ पे एकदम से ही सडनली एकदम कंडीशन चेंज हो जाती है पूरी, एकदम पीछे जो स्पेस है। और वैसे भी राशियों का कंसेप्ट है, ये विद इन सोलर सिस्टम है, भी सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, राशियां उसी के अंदर स्थित हैं, लेकिन जो नक्षत्र है वो बियॉन्ड सोलर सिस्टम के बाहर स्थित है, आउटर सोलर सिस्टम के बियॉन्ड। तो वो क्या है कि 27 हमने इक्वल जैसे पार्ट्स में अभी डिवाइड कर ये लिया। हमारी धरती है, नक्षत्र मतलब तारे, हुए तारों का समूह है ये, ठीक है, और ये हाँ, ये ट्वेंटी सब है। सिक्स हाँ, अब हमारा सोलर सिस्टम तो एक, मतलब आपको पता ही है कि सभी स्टार्स भी सन की तरह ही होते हैं, तो वो नियरेस्ट स्टार भी जैसे 4.3 लाइट ईयर दूर है, तो ये सब नक्षत्र, ये सब स्टार्स तो बहुत दूर है हमारे यहाँ नियरेस्ट से। स्टार शायद स्वाति नक्षत्र में आता है ना, तो कौन सा? अब अच्छा, ये अल्फा सेंचुरी है नियरेस्ट। वो साइंस की बात है। तो हर नक्षत्र में कुछ स्टार्स आते हैं, किसी में एक आता है, किसी में हाँ चार आते हैं, किसी में हाँ दो, वो किसी में नहीं, तीन, उसके फिक्स है ठीक और है। शेप बनाते हैं कुछ, उसी के हिसाब से उनके नाम होते हैं। यस यस यस, तो ये देखिए पूरे तो नक्षत्र यहाँ पे फैले हुए हैं, हमारी धरती यहाँ सेंटर में बीचों बीच, ठीक है। ये सही, बहुत सही दिखाया, बहुत सही। अब अश्लेषा का क्या, अश्लेषा का तो बड़ा लंबा सा स्टार बन रहा है, हाँ अश्लेषा काफी जो लंबा कि है। नहीं अश्लेषा कहाँ पे बोल रहे हो आप? ये बाहर आपने जो बनाया अश्लेषा, बहुत बड़ा था, सांप सा। ना 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 ना, देखिए ये स्टार अलग है, अश्लेषा जो है इस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लाई करेगा, हाँ, कॉन्स्टिलेशन जो है ये एक पूरा स्टार्स ही कॉन्स्टिलेशन आपने अलग है, बना ये एक लिया। चेन होती है, मतलब इनका एक पैटर्न है कॉन्स्टिलेशन का, ठीक है, वो तो सबका एक। है, पैटर्न हाँ तो है, लेकिन वो उसी रीजन में नहीं होता। ना 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 ना, अगर आप अश्लेषा बोलो तो अश्लेषा को पूरा थोड़ी काउंट करोगे आप, अश्लेषा में भी विवेक अश्लेषा जी तो सिर्फ कौन ये सा पैटर्न आएगा, सिर्फ ये इस पैटर्न में जो ये तीन स्टार आएंगे वो तीनों आएंगे बस, ये तीन, ये चार, पांच, छह, सात, आठ, मतलब जितने स्टार्स इसमें आएंगे ये अश्लेषा के होंगे, सर? अश्लेषा नक्षत्र में 5 स्टार्स आते हैं, फाइव। फाइव। फाइव ये होंगे इसमें सर। तो ये दो वो ले रहा ना ये आगे, पुष्य दिखा रहा है यहाँ पे, पुष्य आ गया ना सर, ये आ गया, देखिए पुष्य के बाद ये आ गया ना अश्लेषा, पुष्य के बाद अश्लेषा है ये। ये आ गया ना सर, तो ये दो दो चार पांच ही दिख रहे हैं। देखिए पांच ही है, अभी पांच अगर ही, हम इसको पांच देखें, ही अभी अगर हम इस यहां से पैटर्न, शुरू है ना अश्लेषा। अभी अच्छा इस अच्छा पैटर्न को अगर हम अच्छा स्टडी करें, तो अश्विनी अश्लेषा, अश्लेषा के बाद पुष्य, ठीक है, अश्लेषा मतलब पहले की जो अश्लेषा है, आएगा फिर पुष्य नहीं, आएगा। अश्लेषा के बाद तो खत्म हो जाएगा वो हाँ मतलब कहां का अश्लेषा के सर, पहले पुष्य। पुष्य, अश्लेषा के पहले पुष्य, उसके बाद मगा, हाँ, ठीक या है। हाँ अब जी, यहाँ पे अश्लेषा की जाते आकृति हैं, की तरह है, चक्र की तरह होती है पुष्य सर। के बाद अश्लेषा, मतलब ये इसके बाद मगा, मतलब ये जो बीच का है ना, ये बीच का पैटर्न, ये अश्लेषा है, ये वाला, ये जो एक पट्टी पूरी आ रही है ये ना इस पे, पर ये अश्लेषा थोड़ा है। सा इधर से ही शुरू हो रहा है, पुष्य के ऊपर से ही शुरू हो रहा है ना ये। हो सकता है ये जो इन्होंने जो दिखाया है ना, ढंग से नहीं दिखाया होगा, मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ इसको इलोंगेट करके सिर्फ इसको सबमर्ज किया है, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि वो यहां से पट्टी शुरू होती होगी और ये एक दो करेक्ट। तीन चार पांच ऐसे पांच स्टार्स आते होंगे, वो आपने सही कहा, क्योंकि स्टेशन पांच फाइव स्टार्स ये कंफर्म है।